मैं यहाँ पर एक बात करूँ तो आज मैंने ये प्लांट जब स्टार्टअप किया था तो उनसे पहले मैंने एक सोच रख के बनाया हुआ था कि जब भी मैं कोई भी बेवरेजेस, हेल्दी बेवरेजेस बनाऊँ या हेल्दी न्यूट्रिशंस लोगों को प्रोवाइड करूँ, तो उसमें मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि मेरी 5 साल की जो बेटी हो वो भी ये बेवरेजेस, ये ड्रिंक लेके पी सके। और हमारा मेन एम है कि पैन इंडिया तक मोस्ट क्वालिटी एंड हेल्दी ड्रिंक मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में सप्लाई कर सके। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ज्वाला फ्रूट्स एंड हर्ब्स बेवरेजेस। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई मिस भूमिका मैसूरिया एज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड ट्रेन इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड हाइजीन एंड ऑल्सो हैविंग वर्सेटाइल एक्सपीरियंस एज अ कोच एंड अ ट्रेनर एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ ज्वाला फ्रूट्स एंड हर्ब्स बेवरेजेस। चलिए आज हम नेचुरल मैंगो पल्प से मैंगो जूस कैसे बनाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप वन, सबसे पहले हम फर्स्ट टैंक में प्योरीफाइड वाटर लेंगे और उसमें शुगर ऐड करके 50 डिग्री सेल्सियस तक शुगर सिरप बनाएंगे। सबसे पहले हम प्योरीफाइड वाटर को वाटर फ्लोमीटर के जरिए फर्स्ट टैंक में पानी फिल करेंगे। अब ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म हो चुका है। अब हम शुगर सिरप बनाने के लिए इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और शुगर सिरप बनने की प्रोसेस करेंगे। अभी ये शुगर सिरप बनके रेडी हो चुका है। अब इसी टैंक के अंदर हम नेचुरल मैंगो पल्प और पेक्टिन नाम का स्टेबिलाइजर ऐड करेंगे कि उनको 2 घंटे तक ब्लेंड करेंगे। अभी जैसे कि 2 घंटे पूरे हो चुके हैं और हमारा रो मैंगो सिरप बनके रेडी हो चुका है और हम आगे की प्रोसेस में जाएंगे। सेकंड स्टेप, यहाँ से रो मैंगो सिरप पंप के थ्रू फिल्टर से पास होगा और फिर पीएचई से आगे जाने देंगे। मैम ये पीएचई क्या है? पीएचई मीन्स प्लेट हीट एक्सचेंजर, कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और रो मैंगो सिरप को डिसकलरेशन होने से बचाता है, मीन्स उसका सेम टेक्सचर और नेचुरल कलर को चेंज नहीं होने देता है। थर्ड स्टेप में हम होमोजिनाइजर की मदद से रो मैंगो सिरप को होमोजिनाइज करेंगे। भूमिका जी, ये होमोजिनाइजर क्या है? जो आपने काफ़ी बार मार्केट में मिलने वाले मैंगो जूस में नीचे बैठे हुए रेसों के रूप में देखा होगा, वैसे ही हम यहाँ सम मिश्रित करके सेडिमेंट होने से बचाते हैं। अभी ये अच्छे से होमोजिनाइज हो गया है। अभी 4th स्टेप है पेस्चराइजेशन। अभी ये होमोजिनाइजर से पाइप के थ्रू रो मैंगो सिरप सेकंड टैंक में जाएगा और उसको हम 97 डिग्री सेल्सियस तक पेस्चराइज करेंगे। पेस्चराइजेशन प्रोसेस एक्चुअली इसलिए है कि उसके अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला, लिस्टेरिया, ई कोलाई को किल करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ता है। अभी ये 97 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो चुका है। हम उसको फिल्टर और पीएचई के थ्रू 3rd टैंक में 82 डिग्री सेल्सियस पे पास करेंगे। अभी जबकि ये मैंगो ड्रिंक बनने के लिए रेडी हो चुका है तो हम उसके अंदर विटामिन्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स, प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्लेवर ऐड करके उसको 20 मिनट तक मिक्स करेंगे। जबकि ये मैंगो ड्रिंक बनकर रेडी हो चुका है तो उसको 72 डिग्री सेल्सियस पे हॉट फिल करने से पहले एक छोटा सा लैब टेस्ट करेंगे। अभी जबकि ये लैब टेस्ट रिपोर्ट ओके आ गए हैं तो हम बॉटल में 72 डिग्री सेल्सियस पे उनको फिल करेंगे और विद इन 30 सेकेंड में उनको कैपिंग करेंगे। आज हमारा कोई भी बेवरेजेस फ्रूट्स, हब और उसके कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। मतलब अपनी बॉडी को ना कि वो सिर्फ हाइड्रेट करे बल्कि उनको एक हेल्दी न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कर सकता है और उसी भाग रूप हमने काफ़ी सारे बेवरेजेस को हेल्दी न्यूट्रिशंस के रूप में लाते जा रहे हैं। बस उसी तरह आने वाले समय में काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट को लाने में हम लोगों को मोटिवेट करता है। और हमारा मेन एम है कि पैन इंडिया तक मोस्ट क्वालिटी एंड हेल्दी ड्रिंक्स मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में सप्लाई कर सके। बीइंग अ वर्किंग वूमन, आप फैक्ट्री और घर दोनों की जिम्मेदारी कैसे मैनेज करते हो? हाँ, जिम्मेदारियाँ तो होती ही है। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा काम निपटा के खाना बना के 8 बजे फैक्ट्री पहुँच जाती हूँ और इवनिंग में मदर इन लॉ को थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में ज़्यादातर लोड होने के कारण मैं कुछ जिम्मेदारियों में से चूक जाती हूँ, तो तब सिर्फ मेरे इन-लॉज ने मुझे सिर्फ इतना बोला है कि बेटा तू कंपनी संभाल और आगे बढ़,
और घर और बच्चे को हम देख लेंगे। आफ्टर कोविड-19 और मार्केट की इतनी कंपटीशन के बावजूद आप इतने कम टाइम में इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर लेते? आफ्टर कोविड-19 जब हमने फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट में रखी थी तब हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, तब जाके हम लोगों को एहसास हो चुका था अगर कोई हेल्दी और अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो किसी भी सिचुएशन में वो अच्छा सेल कर पाएंगे और कंपनी को, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसका अच्छा ग्रोथ होगा।